हरे कृष्णा। आप सभी का आज की एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नित्यानंद प्रभु के बारे में जानेंगे कि नित्यानंद प्रभु कौन हैं और उनका पूरा जीवन चरित्र कैसा रहा है। ये प्रश्न भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। वो लिखते हैं, हरे कृष्णा प्रभु, दमन प्रणाम। मेरा एक प्रश्न है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा रहने वाले नित्यानंद प्रभु कौन हैं और उनका पूरा जीवन चरित्र कैसा रहा, कृपया करके मुझे बताइए। तो इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ये कि नित्यानंद प्रभु कौन हैं, दूसरा ये कि उनका पूरा जीवन चरित्र कैसा है। तो आइए इन्हीं प्रश्न के उत्तर के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बलराम जी के ही अवतार हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के दूसरे शरीर हैं, यानी कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर का जो पहला विस्तार किया था वो बलराम जी के रूप में ही किया था। तब दूसरे जितने भी विस्तार होते हैं वो बलराम जी से ही होते हैं, जैसे तीन प्रकार के विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, शिरोदक्ष विष्णु और करुणदक्ष विष्णु। तो ये सारे जो विष्णु होते हैं वो बलराम जी से ही अवतार लेते हैं, उन्हीं से ही विस्तार होता है और बाद में फिर उनके विस्तारों के भी विस्तार होते हैं। बलराम जी हमेशा कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कभी लक्ष्मण के रूप में भगवान राम के साथ, तो कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में रहते हैं। ये मान्यता है कि अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहता है तो सबसे पहले उन्हें नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना होगा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। अगर कोई चाहता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उन पर कृपा करें तो भी उन्हें नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना पड़ेगा और उनकी कृपा प्राप्त कर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब तक नित्यानंद प्रभु कृपा नहीं करते तब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी। और इनका अच्छा सा उदाहरण मिलता है जगई मधई की कथा से। जगई मधई बहुत पापी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी हर तरह का पाप कर्म करते थे। एक समय जब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें शराब पीते हुए देखा तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें समझाते हुए भगवान की शरण में आने के लिए कहा। तब जगई मधई ने नित्यानंद प्रभु को बहुत बुरा बर्ताव किया और बहुत गालियां देने लगे। तब मधई ने मिट्टी का पात्र उठाकर नित्यानंद प्रभु के सर पर मारा जिससे कि उनके सर से खून बहने लगा। जब ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ी तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही क्रोधित हो गए और इसी हालत में उन्होंने सुदर्शन चक्र निकालकर जगई मधई को मारने के लिए दौड़े। तब नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़कर उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। तब जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगई मधई को क्षमा किया। देखिए कि जगई मधई को क्षमा की आवश्यकता थी तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें क्षमा किया। तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु हमसे प्रसन्न हों तो हमें पहले नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना होगा। अब जानते हैं कि नित्यानंद प्रभु का पूरा जीवन चरित्र कैसा रहा। नित्यानंद प्रभु 1474 में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक चक्र गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम पद्मावती था और उनके पिता का नाम हडाई पंडित। बचपन से ही नित्यानंद प्रभु को भगवान कृष्ण के बारे में सुनना बहुत पसंद था और अक्सर वो अपने मित्रों के साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। उनकी लीलाओं का गुणगान करना सभी ग्रामवासियों को बहुत पसंद था और पूरे नगर में उनकी चर्चा होने लगी। जब नित्यानंद प्रभु 13 साल के हुए तब उनके घर एक सन्यासी आए। उनके माता पिता ने उस सन्यासी का बहुत आदर सत्कार किया। जब
उस सन्यासी ने नित्यानंद प्रभु को देखा, तब उनसे माता पिता से कहा कि मैं चाहता हूँ कि नित्यानंद प्रभु मेरे साथ तीर्थ यात्रा पर चले। उनके माता पिता इस बात का तिरस्कार नहीं कर सके और नित्यानंद प्रभु को सन्यासी के साथ भेजना पड़ा। नित्यानंद प्रभु 13 साल से लेकर 20 साल तक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते रहे। एक समय 1506 में जब नित्यानंद प्रभु नदाई डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे तो उनकी भक्ति की चर्चा हर ओर होने लगी। तब यही चर्चा के बारे में जब चैतन्य महाप्रभु को पता पड़ा तो उन्होंने हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को उन्हें ढूंढकर लाने के लिए कहा। इस बात का पता जब नित्यानंद प्रभु को पड़ा तो वो नंदनाचार्य भवन में छुप गए ताकि ये दोनों मुझे ढूंढ ना पाए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु खुद उनसे आकर मिलें, वो उनके भाव को और बढ़ाना चाहते थे। जब दोनों ने हर ओर ढूंढ लिया तब वो मायूस होकर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और पूरा हाल कह सुनाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे कि नित्यानंद प्रभु चाहते हैं कि मैं खुद उनके पास जाकर मिलूं। तब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए वहां पर गए और उनका प्रेम भाव से उनका मिलन हुआ। आज भी वो जगह गौर नित्याई मिलन मंदिर के नाम से जाना जाता है। जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का आपस में मिलन हुआ तब नित्यानंद प्रभु 32 साल के थे और श्री चैतन्य महाप्रभु 20 साल के थे। नित्यानंद का पूरा जीवन भक्ति में गुजरा। उन्होंने पूरे उड़ीसा और पूरे बंगाल में बहुत प्रचार किया। वहाँ के लोग उनसे जुड़कर और भक्ति मार्ग से आकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वापस बंगाल जाने की आज्ञा दी। तब उनकी दो बहनों के साथ शादी हुई जिनका नाम था वसुधा और जाह्नवी देवी। उनकी दो बेटियां भी हुई। इस तरह से पूरा जीवन जो है उनका भक्ति में गुजरा। नित्यानंद प्रभु अपने अंतिम यात्रा में एक चक्र गांव में दोबारा गए। वहां पर बांकिम राय या बांके राय की मूर्ति थी, यानी जो कि भगवान कृष्ण का ही विस्तार था। अंत समय में नित्यानंद प्रभु उन मूर्ति में समा गए और इस तरह से नित्यानंद प्रभु का डिसअपीरियंस हुआ। तो ये सारा जीवन जो है नित्यानंद प्रभु का बहुत ही भक्तिमय रहा है और बहुत से लोगों को प्रभावित किया नित्यानंद प्रभु ने। तो ये था शॉर्ट सा नित्यानंद की बायोग्राफी। मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आज के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।